Good evening, friends. Welcome back to this program of online study at Allahabad. मैं उनकी बारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत अपने इस क्लास में करता हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास को पूरा करेंगे. वेल, लास्ट टाइम पे हमने आपको ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में बताया था और उसमें हमें ये बताया था कि हमारी जो ब्रांचिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग. अनकंडीशनल हमने बताया था ये नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को अनस्ट्रक्चर्ड बना देता है. और सी लैंग्वेज में इसके लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट था, गो टू स्टेटमेंट, इतना हमने पढ़ा दिया था. और फिर हमने कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में शुरू किया था बट उसको पूरा नहीं किया था. तो लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं. और आज का हमारा जो क्लास है वो है कंडीशनल ब्रांच. ये हालांकि हमने कल थोड़ा सा लास्ट टाइम शुरू किया था ना, उसी को थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ जाते हैं. ब्रांचिंग का अर्थ होता है कि हम अपने कंट्रोल को किसी अन्य स्टेटमेंट पे भेजें. मतलब क्या होता है, अपने कंट्रोल को किसी अन्य स्टेटमेंट पे भेजें, राइट. तो किसी अन्य स्टेटमेंट भेजने के लिए जो कंडीशनल ब्रांचिंग में हम लोग कंडीशन का सहारा लेते हैं, ठीक है. और ये दो तरह की ब्रांचिंग होती है, एक होता है टू वे और एक होता है मल्टी वे. तो दिस स्टेटमेंट transfers the control to some other statements depending upon एक्सप्रेशन. किसी एक्सप्रेशन के हिसाब से वो स्टेटमेंट को कंट्रोल को किसी अन्य स्टेटमेंट में भेजता है, ठीक है. इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल ब्रांच. और ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? दो. इट इज ऑफ टू टाइप्स. हमारे पास दो प्रकार के होते हैं. पहला टू वे ब्रांचिंग. और दूसरा है मल्टी वे ब्रांचिंग. ठीक है, टू वे ब्रांचिंग एंड मल्टी वे ब्रांचिंग. अब देखिए होता क्या है, टू वे ब्रांचिंग में हम एक कंडीशन चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? कंडीशन. और कंडीशन के अनुसार हम कंट्रोल को अलग जगह भेजेंगे. अब देखिए कंडीशन जब भी होगा उसके केवल दो रिजल्ट होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स. तो जब दो रिजल्ट होंगे तो दो रास्ते बनेंगे, ट्रू है तो इधर जाओ, फॉल्स है तो. तो जहां पर भी कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन के हिसाब से हम ट्रू होने पे यहां भेज रहे हैं, फॉल्स होने पे यहां भेज रहे हैं, इसको कहते हैं टू वे ब्रांच. क्लियर. अब जो दूसरा है मल्टी वे, उसमें क्या होता है, हम कंडीशन नहीं चेक करते, वहां पे एक्सप्रेशन चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं? एक्सप्रेशन. अब यहां पर हमने सम एक्सप्रेशन लिखा है, अभी एक्सप्रेशन कंडीशनल है तो टू वे हो गया. अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई अन्य एक्सप्रेशन है तो उसके कई वैल्यूज होंगे. पहली वैल्यू है तो इधर जाओ, दूसरी वैल्यू तो इधर जाओ, तीसरी वैल्यू है तो इधर जाओ, चौथी है तो इधर जाओ, पांचवी है तो इधर जाओ, एंड सो ऑन. यानी कि अलग अलग वैल्यू पे हम कंट्रोल को अलग अलग जगह भेज सकते हैं. और जब ऐसा होता है तो उसको क्या कहते हैं,
मल्टी वे ब्रांचिंग। इतना सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टू वे ब्रांचिंग। We use a condition when condition is true, control is sent to a block of statement known as true block. हम condition check करते हैं, हम यहां पर condition use करते हैं, और कंडीशन अगर ट्रू है तो हम कंट्रोल को एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भेजते हैं जिसे कहते हैं ट्रू ब्लॉक। यानी कि ट्रू ब्लॉक में कब जाएगा? जब कंडीशन ट्रू होगा। अदरवाइज द कंट्रोल इज सेंट टू अनदर ब्लॉक of statements known as false block. अगर condition true है तो कहां भेजा? True block में। और अगर condition false है तो कहां भेजा? False block। अब दो रास्ते बन गए, इसीलिए इसको कहा जाता है two way branch। दो जगह भेजा जा रहा है, इसी वजह से इसको कहा जाता है टू वे ब्रांचिंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब सी लैंग्वेज में क्या है? टू वे ब्रांचिंग के लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। कौन सा है? लिख लीजिए। इन सी लैंग्वेज वी यूज if else statement for two way branch। C language में हम लोग two way branching के लिए कौन सा statement use करते हैं? If else। समझ में आया? अब ये if else statement क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है, अब देखा जाए। राइट, चलें हम लोग बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशन चेक करता है। क्या करता है? कंडीशन चेक करता है। और कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है ये बताते हैं, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करना है ये बताते हैं। तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। राइट, चलें इफ स्टेटमेंट is used to check a condition।
इज यूज टू चेक अ कंडीशन, ये एक कंडीशन चेक करता है. एंड ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू ट्रू ब्लॉक वेन कंडीशन इज ट्रू एंड टू द फॉल्स ब्लॉक when condition is false. अर्थात यह condition check करेगा. अब condition या तो true होता है या false. अगर condition true है तो true block में भेज देगा, अगर false है तो false block. यानी दो में से किसी एक जगह ही जाएगा, दोनों में कभी नहीं जा सकता. अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, ट्रू भी फॉल्स भी. या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अगर ट्रू है तो कहां भेजेगा, ट्रू ब्लॉक में. फॉल्स है तो कहां भेजेगा, फॉल्स ब्लॉक में, है ना. अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं. इसके दो सिंटैक्स हैं. कितने सिंटैक्स हैं, दो. हम पहले एक सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद दूसरे के बारे में बात करते हैं. पहला सिंटैक्स, इफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप देखते हैं कंडीशन. ध्यान रखिए कंडीशन जब भी देंगे कहां देंगे, ब्रैकेट के अंदर. क्लियर. कुछ लोग यहीं पे सेमीकोलन लगा देते हैं, वो गलत है, नहीं लगाना है सेमीकोलन, यहां पे नहीं लगना है, याद रहेगा. उसके बाद यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एक या एक से अधिक. ठीक है, अगर एक से अधिक स्टेटमेंट है तो यहां लिख सकते हैं. ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा यहां से यहां तक, कंडीशन के ठीक बाद लगा है, इसको बोलते हैं ट्रू ब्लॉक. क्या बोलते हैं, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कहां जाएगा, ट्रू ब्लॉक के अंदर जाएगा. ठीक है, ये इसका पहला सिंटैक्स है. जाने कि इसमें एल्स ब्लॉक नहीं है, फॉल्स ब्लॉक नहीं है, ये पहला सिंटैक्स है. राइट, उदाहरण के लिए अगर ये कहा जाए, अगर 12 बज चुके हैं, अगर 12 बज चुके हैं तो प्रिंट करो गुड आफ्टरनून. अगर 12 बज चुके हैं तो प्रिंट करो, तो कंडीशन चेक करो, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 12, अगर टाइम 12 से अधिक है तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ गुड आफ्टरनून, हो गया काम. बट हमने इसमें यह नहीं बताया था कि 12 से कम है तो क्या करना है, नहीं बताया ना. तो यहां पे जब ये नहीं पता कि फॉल्स है क्या करना है, तो वहां पे ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे जिसमें केवल एक दिया हो. समझ गया, हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर 12 बज चुके हैं तो प्रिंट करो गुड आफ्टरनून. बट ये तो नहीं बताया कि 12 नहीं बजा तो क्या करना है, 12 से कम है तो क्या करना है, ये तो नहीं बताया. तो जहां पे केवल एक ही चीज बताया हो वहां पे ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे. राइट, समझ में आया, नोट कर लीजिए.
दूसरा सिंटैक्स भी देखते हैं। पहला सिंटैक्स समझ में आ गया। दूसरा सिंटैक्स है इफ कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, और अगर कंडीशन फॉल्स है एल्स तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अब देखिए इस सिंटैक्स में क्या होगा कि सबसे पहले यहां आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में चला जाएगा, यहां पे इसको कहते हैं ट्रू ब्लॉक, और एल्स के बाद जो लिखा है उसको कहते हैं फॉल्स ब्लॉक। क्या बोलते हैं? तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में चला गया, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और फिर यहां से सीधे कहां चला जाएगा? बाहर यहां पर। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधे एल्स के बाद आएगा, इसमें घुसेगा फॉल्स ब्लॉक में, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये दो सिंटैक्स है, जहां पर दोनों बताया हो कंडीशन ये है तो ये करो, नहीं है तो ये करो, वहां पे ये सिंटैक्स यूज करेंगे। जहां पर केवल ये बताया कंडीशन ये है तो ये करो, तो वहां पर ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। इस दोनों में फर्क क्या है? इसमें एल्स ब्लॉक नहीं है। राइट, समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एज ऑफ अ पर्सन राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एज ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति का एज इनपुट कराना है, ठीक है ना? एंड प्रिंट इफ ही इज ही या शी जो भी है एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। किसी व्यक्ति का आपको एज इनपुट कराना है और आपको यह बताना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति वोटिंग के लिए एलिजिबल कब होता है? वेरी गुड, जब उसकी उम्र 18 या 18 से अधिक है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अगर 18 से कम है अर्थात वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम करें क्या इसमें, इस क्वेश्चन में करें क्या, एक एज इनपुट कराएं। एज किस टाइप का लेंगे? सपोज मान लीजिए इंटीजर लेंगे, ठीक ना? फिर चेक करें अगर एज की वैल्यू 18 से कम है, अगर कम है तो क्या प्रिंट करें? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर 18 से अधिक है तो हम यहां पे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? इफ, इफ वेरिएबल जो भी एज का नाम है हमने वेरिएबल लिया है, इफ एज इज लेस देन 18 प्रिंट इफ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर है अदरवाइज एल्स में क्या लिखेंगे? प्रिंट इफ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। काम खत्म, करें तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया के इतने अभ्यस्त हो गए, जैसे हैशटैग का हैशटैग हैशटैग नहीं है, ये हैशटैग नहीं है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं?
मैं हैश बोलता हूँ, हैशटैग नहीं बोलता हूँ। लोगों को फेसबुक और इन सब की बड़ी लत लगी हुई है, मेन फंक्शन बनाते हैं वॉइड मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर एज इनपुट कराना था, वेरिएबल लेना पड़ेगा एज के लिए, हमने इंटीजर टाइप का ले लिया, वेरिएबल का नाम सपोज ए रख लिया, कोई दिक्कत नहीं ए रख सकते हैं आपकी इच्छा चाहे जो रखो। अब यहां पे सबसे पहले स्क्रीन साफ किया, इनपुट कराना एज तो पहले एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ, प्लीज एंटर योर एज, अपनी उम्र एंटर करो, और इनपुट डालने के बाद क्या एज करते हैं स्कैनर परसेंट डी, इंटीजर तो परसेंट डी, इसमें इनपुट डालेंगे ए, ठीक है ना, इनपुट हो गया। अब क्या करें, इस एज को चेक करें, इस इधर जगह नहीं मैं इधर लिख रहा हूं, इफ ए इज लेस देन 18, कंडीशन क्या चेक किया, ए एज हमारा ए में इनपुट कराया, अगर ए की वैल्यू 18 से कम है तो क्या करें, प्रिंटर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, खत्म, ये ट्रू ब्लॉक हो गया। ट्रू ब्लॉक में एक ही काम करना था तो एक ही लिख दिया, एक से अधिक होता तो इसके बाद लिखते, यहां पे एक ही काम था तो हमने एक ही लिख दिया। एल्स में क्या, अगर 18 से कम नहीं है मतलब या तो 18 है या उससे अधिक है तो क्या करें, प्रिंटर यू आर eligible for voting, काम खत्म। समझ में आया, is that clear? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम to input a number, write a program to input a number and check if it is prime and check if it is even, input a number and check if it is even or, हमें एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करके बताना है कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। अब कैसे पता लगता है कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, वेरी गुड, अगर हम दो से भाग दें और रिमाइंडर आए जीरो इसका मतलब वो इवन है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है कुछ अन्य आ रहा है तो मतलब अन्य, क्या इसमें एक ही आएगा, दो से भाग देंगे तो या तो जीरो आएगा या अगर जीरो नहीं आ रहा है मतलब वो ऑड है। तो हम करें क्या, इसमें पहले तो एक नंबर इनपुट कराएं और उसको दो से भाग दे करके रिमाइंडर स्टोर कर लें, फिर रिमाइंडर को चेक करें, किसको चेक करें, वो रिमाइंडर जीरो है तो प्रिंट करें इवन, इवन, और अगर जीरो नहीं है तो प्रिंट करें, यही तरीका होगा। तो चलिए करते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नंबर इनपुट कराने के लिए हमने ले लिया एन, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया एन जिसमें हम नंबर इनपुट कराएंगे, और रिमाइंडर के लिए हमने ले लिया आर जिसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे। एन नंबर इनपुट कराने के लिए और आर रिमाइंडर के लिए। चलिए पहले तो इनपुट कराएं, इनपुट कराने के लिए पहले मैसेज दिया प्रिंटर प्लीज एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करो, और इनपुट कराने के लिए फंक्शन क्या है स्कैनर, इनपुट इंटीजर में जाता परसेंट डी और इसमें रहता एम डी, इनपुट वाला काम हो गया, हो गया ना। अब रिमाइंडर निकालें दो से भाग दे करके, तो रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था आपने, ऑपरेटर कोई पढ़ा था रिमाइंडर के लिए, ये होता है ऐड करने के लिए, ये होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये होता है डिवाइड करने के लिए, ये होता है और एक था मॉडुलो परसेंट, ये होता है किसके लिए रिमाइंडर के लिए, तो इसका उपयोग करेंगे ठीक है ना। तो चलिए इसका उपयोग किया जाए, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एन मॉडुलो टू, अर्थात एन को दो से भाग दो, अर्थात क्या हुआ एन को दो से भाग दो और जो रिमाइंडर शेष वाला है किसमें स्टोर करो आर हुआ। अब इस आर को चेक करना है, अगर वो जीरो है तो प्रिंट करो इवन, अगर जीरो नहीं है तो प्रिंट करो आर। तो चेक करें, इफ मैं यहां लिखता हूं इफ आर इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू चेक करने का तरीका क्या है बराबर बराबर, आर बराबर बराबर जीरो मतलब आर जीरो है तो जीरो है तो क्या करना है प्रिंट करना है क्या परसेंट डी यानी कि एन इज इवन, परसेंट डी किसकी वैल्यू आएगी एन की वैल्यू, तो मान लो एन आपने डाला है सिक्स तो लिख क्या आएगा सिक्स इज ठीक है ना। और अगर एल्स जीरो नहीं है तो क्या प्रिंट करना है परसेंट डी इज ऑड, और परसेंट डी अगर किसका वैल्यू होना चाहिए एन का वैल्यू, अब देखिए इसको रन करते हैं, रन करते हैं हम कंप्यूटर बन जाते हैं और यहां से शुरू करते हैं, एन और आर दो वेरिएबल बन गए, ये मेरा हो गया एन, ये हो गया मेरा स्क्रीन साफ हो गया, मैसेज लिख के आया एंटर अ नंबर एक नंबर दो, सपोज हमने डाला 17 17 तो एन की वैल्यू क्या हो गई 17 ठीक है। अब यहां क्या लिखा है आर बराबर एन मॉडुलो टू, एन को दो से भाग दो, 17 को दो से भाग दो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो आर में क्या हो गया 1। अब इसके बाद यहां आएगा, यहां क्या लिखा है If R equals to zero, क्या R zero है? नहीं है, तो कहाँ जाएगा? Else में, else में क्या लिखा है? Print F, percent D, यहाँ पे N की value, क्या? 17 is, सही है ना? सही काम कर रहा है? एक बार और रन करते हैं, मान लेते हैं अब की बार हम इसमें डालते हैं, 12, क्या डाला? 12 R equals to N modulo 2, N को 2 से भाग के रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहां हो गया 0, क्या R 0 है yes, क्या प्रिंट करेगा परसेंट डी यानी कि N की वैल्यू 12 is, सही काम कर रहा है, तो ये आपका तरीका है। जल्दी से नोट कर लें, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन हमारा। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है
इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम दो नंबर इनपुट कराएंगे, क्या करेंगे, दो नंबर इनपुट कराएंगे और उनमें से जो पढ़ा है उसको प्रिंट करना है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट, उन दोनों में से जो बड़ा है, जो बड़ा नंबर है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, सपोज आपने 7 और 3 डाला तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 3 और 9 डाला, 9, तो जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है। अगर दोनों 7 डाल दिया तो बड़ा कौन सा है, 7 ही बराबर है तो 7 प्रिंट कर देना है, बड़ा नंबर प्रिंट करना है। क्लियर, समझ में आया, तो चलें इसको करने की कोशिश करते हैं। ये तो हट गया होगा, हैश इनक्यूड और कोनियोलर। अगली बार से मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद लिख लिया करेंगे। ठीक है, समय बचाने के लिए मैं इतना आलसपन करूंगा, मैं आलस कर सकता हूँ, आप लोग ना करिए। अब यहाँ पे मुझे दो नंबर इनपुट कराना है तो दो वेरिएबल चाहिए, हमने ले लिया IMT टाइप का L1, L2, दो वेरिएबल ले लिया। ठीक है, आपकी मर्जी कोई और नाम रख सकते हो, ए बी जो भी रखना चाहते हो, हमने L1 और L2 लिया। अब इसमें इनपुट कराना है तो पहले मैसेज देंगे फिर इनपुट कराएंगे, है ना, मैसेज दिया प्रिंट एफ प्लीज एंटर टू नंबर्स और यहां पे स्कैन एफ परसेंट डी दो लेना है तो दो बार परसेंट डी, पहला वाला किसमें जाएगा M1 में, दूसरा वाला किसमें जाएगा M2 में। सही है ना, अब चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसको प्रिंट कर दे। तो मैं यहां पे इफ लगा रहा हूं, कंडीशन चेक करने के लिए इफ लगाते हैं, इफ लगाया, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर N1 N2 से बड़ा है तो क्या करें, N1 को प्रिंट कर दें। तो हमने प्रिंटर करा दिया, प्रिंटर लार्जर नंबर इज परसेंट डी और यहां पे N1 प्रिंट करा दें, क्यों, क्योंकि N1 बड़ा है। Else, अगर N1 बड़ा नहीं है तो या तो बराबर है या N2 बड़ा है, तो दोनों केस में N2 को प्रिंट करा देते हैं। Else क्या प्रिंट करें, प्रिंटर लार्जर नंबर इज N2 एक चीज मैं यहां पे और बता दूं, आप कई बार से देख रहे हैं कि ट्रू ब्लॉक में कितने स्टेटमेंट है, एक, फॉल्स ब्लॉक में कितने हैं, एक, तो सी लैंग्वेज कहता है कि अगर ट्रू ब्लॉक में केवल एक स्टेटमेंट है, अगर केवल एक स्टेटमेंट है तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर सिंगल है तो बिना कर्ली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं दोनों, ये तो मेन का है, इसको तो बंद करना ही है, राइट, यानी कि अगर ट्रू ब्लॉक में केवल एक स्टेटमेंट है या फॉल्स ब्लॉक में केवल एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की आवश्यकता नहीं, बट अगर एक से अधिक स्टेटमेंट है तब लगाना आवश्यक है। ठीक है, अब उदाहरण देखो, मान लेते हैं हमने दो नंबर इनपुट कराने हैं, ये है हमारा L1, ये है हमारा N2, आपसे मांगा दो नंबर दो, सपोज हमने डाला 17 और 15, N1 कितना हो गया 17, N2 कितना हो गया 15, यहां से यहां आएगा
यहाँ क्या लिखा है, क्या एन वन एन टू से बड़ा है, चेक करो। हाँ तो कहा जाएगा ट्रू ब्लॉक में, ट्रू ब्लॉक में क्या लिखा है, लार्जर नंबर इज, परसेंटेज की जगह एन वन की वैल्यू, एन वन की वैल्यू क्या आएगी 17, तो लिखेगा लार्जर नंबर इज 17, सही है। मान लेते हैं यहाँ पे पहला 15 दिया दूसरा 17 दिया, तो क्या होगा, क्या एन वन एन टू से बड़ा है, नहीं, तो कहाँ जाएगा एल्स ब्लॉक में, यहाँ क्या लिखा है लार्जर नंबर इज परसेंटी एन टू, तो लार्जर नंबर इज इसकी जगह एन टू आ जाएगा, एन टू यानी कि 17। अगर मान लेते हैं दोनों 17 दिए तो क्या होता, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या एन वन एन टू से बड़ा है, नहीं, बराबर है तो नहीं, तो कहाँ जाएगा एल्स में, एल्स में क्या लिखा है लार्जर नंबर इज एन टू, बराबर ही है तो 17 ही प्रिंट करेगा, है ना, समझ में आया, तो ये हमारा आंसर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो चलो आज का क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, जय हिंद जय भारत।